गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम वैज्ञानिक पद्धति के चरण के बारे में बात करेंगे। कल हमने विज्ञान क्या है, विज्ञान की परिभाषा तथा उसकी विशेषताओं का विस्तृत अध्ययन किया था। आज हम किस प्रकार वैज्ञानिक शोध करते हैं, वैज्ञानिक पद्धति में हम कौन कौन से चरणों से होकर गुजरते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं समस्या का चयन। समस्या का चयन हमारे ज्ञान, विषय तथा उपलब्ध साहित्य की क्षमता के आधार पर किया जाता है कि हमें किस प्रकार की समस्या का अध्ययन करना है। समस्या का चयन उपलब्ध साहित्य के आधार पर होता है, वर्तमान में जो समस्या है या हम किस प्रकार की समस्या लेना चाहते हैं अपने शोध के लिए। हमारा दूसरा चरण होता है उद्देश्यों का निर्धारण। समस्या का चयन करने के पश्चात ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे उद्देश्य क्या है। यदि हमें समस्या के बारे में ज़्यादा विस्तृत जानकारी नहीं है तो हमारे उद्देश्य सामान्य होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग कोई समस्या या किसी शोध के बारे में जैसे जैसे जानकारी प्राप्त करने लगते हैं, वो जो हमारे उद्देश्य है वो विशिष्ट होते जाते हैं। इस प्रकार उद्देश्यों का निर्धारण सामान्य व विशिष्ट दो प्रकार का होता है, तो हम अपने लिए उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। उद्देश्यों के निर्धारण के पश्चात प्राकल्पना का निर्माण किया जाता है। प्राकल्पना, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्राकल्पना यानी पहले अनुमान लगाना, किसी भी शोध के निष्कर्षों के बारे में, उसके परिणामों के बारे में किस प्रकार प्राप्त होंगे उसके बारे में पता लगाना प्राकल्पना कहलाता है। शोध के लिए सबसे पहले हम एक विस्तृत रूप से, या बोला जाए तो इसे एक छोटे रूप में, इसे प्राकल्पना बना ली जाती है कि हम इस प्रकार का कार्य करेंगे और इसके ये परिणाम हो सकते हैं। जैसे मैं इसे एक उदाहरण से समझाना चाहूँगी कि यदि हम एक गांव में लड़कियों की शिक्षा का अध्ययन कर रहे हैं तो हम ये प्राकल्पना बना सकते हैं कि वर्तमान में गांव में शहरों की अपेक्षा शिक्षा का स्तर कम है। आज भी उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो लड़कियों को उतनी अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते, ना ही देना चाहते हैं जितना कि वो अपने बेटों को देना चाहते हैं। ये हमारी एक प्राकल्पना हो गई। इसकी प्राकल्पना ये भी हो सकती है कि वर्तमान में अब स्थिति बदल गई है, अब लड़के लड़की दोनों को समान रूप से अधिकार दिया जाता है कि वो पढ़ सकें, उन्हें वो सभी सुविधाएं दी जाती है और बाहर भी उन्हें भेजा जाता है। इस प्रकार हमने अपने शोध के लिए एक प्राकल्पना बना ली, एक पूर्व अनुमान लगा लिया। अब हम उस शोध का पूरा शोध करेंगे, हम क्षेत्र पे जाके अध्ययन करेंगे, उनके पेरेंट्स से बात करेंगे और प्राथमिक सामग्री को इकट्ठा करेंगे और फिर हम उससे परिणाम निकालेंगे। इस प्रकार जो परिणाम प्राप्त होता है वो क्या हमारी प्राकल्पना के समान होता है? अगर वो प्राकल्पना के समान होता है तो वो सिद्धांत बन जाता है, और अगर वो हमारी प्राकल्पना को गलत कर देता है, यानी हमने जो पूर्व अनुमान लगाया वो गलत साबित हो जाता है, तो हमारी प्राकल्पना निरस्त हो जाती है और एक नए सिद्धांत की स्थापना होती है। इस प्रकार किसी भी शोध के अंतर्गत प्राकल्पना का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अब प्राकल्पना निर्धारित होने के बाद हम करते हैं अध्ययन क्षेत्र का चयन। अध्ययन क्षेत्र किस प्रकार का होना चाहिए जहाँ पे हम अपना शोध कर सकें? तो अध्ययन क्षेत्र की सीमा का चयन हम अपने शोध के अनुसार करते हैं। हम किसी बड़े क्षेत्र को भी ले सकते हैं या हम किसी छोटे क्षेत्र को भी ले सकते हैं, ये हमारे शोध के प्रकार पर निर्भर करता है। अध्ययन क्षेत्र के चयन के बाद बात आती है प्रविधियों का चयन। प्रविधियां मतलब हम अब किस प्रकार की तकनीकी को, किस प्रकार की प्रक्रियाओं का उपयोग कर रहे हैं अपने डेटा ग्रहण करने में, अपनी सामग्री एकत्रित करने में। सामग्रियां दो प्रकार की होती है, प्राथमिक सामग्री एवं द्वितीयक सामग्री। प्राथमिक सामग्री यानी जो वो सामग्रियां या वो डेटा जो हम अध्ययन क्षेत्र पर जाकर लेते हैं, हम
जो हमारे अनुसंधान जो उत्तरदाता है उनसे हम उनके पास जाकर उन सभी सामग्रियों का ग्रहण करते हैं। इसके अंतर्गत साक्षात्कार आता है, अवलोकन आता है और अनुसूची, प्रश्नावली, इन सभी का उपयोग किया जाता है। अनुसूची और प्रश्नावली में एक संक्षिप्त अंतर मैं बताना चाहूंगी, हम इसको अभी आगे भी पूर्ण विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, लेकिन अनुसूची वह है जो उत्तरदाता के पास बैठकर प्रश्नों की सूची भरी जाती है, यानी हम प्रश्न पूछते हैं उत्तरदाता से और उत्तरदाता उसके उत्तर बताते जाते हैं और अनुसंधानकर्ता उनके उत्तर लिखता जाता है, जबकि प्रश्नावली डाक द्वारा भेजी गई एक प्रश्नों की सूची है जो उत्तरदाता के पास दी जाती है। उत्तरदाता स्वयं अपने स्तर पर उसे भरता है और पुनः डाक के द्वारा अनुसंधानकर्ता के पास भेजी जाती है। इस प्रकार से ही हम द्वितीय सामग्री का चयन करते हैं। द्वितीय सामग्री के अंतर्गत सभी शोध पत्र, समाचार पत्र, जीवनियां या आत्मकथाएं, इन सभी का अध्ययन किया जाता है और उनसे संबंधित शोध के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। प्रविधियों का चयन के साथ ही अवलोकन भी किया जाता है। अवलोकन अर्थात स्थान पर जाकर, अध्ययन क्षेत्र पे जाकर जो घटनाएं जिस प्रकार घटित हो रही हैं उनको देखना, अवलोकन का शोध के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अवलोकन तीन प्रकार का होता है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, अवलोकन, सहभागी अवलोकन, अर्ध सहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन। सहभागी यानी जहां हम अध्ययन कर रहे हैं उन उत्तरदाताओं के साथ, उनकी समाज के साथ, उनके समुदाय के साथ पूर्ण रूप से सम्मिलित होकर अध्ययन करना। अर्ध सहभागी कभी निरपेक्ष और कभी सहभागी होकर जानकारियां प्राप्त करना, अवलोकन करना। और अर्ध असहभागी यानी बिल्कुल भी उनके जानकारी वहां नहीं जाना और सिर्फ निरपक्ष होकर उन सभी का अध्ययन करना। इस प्रकार अवलोकन किया जाता है। अवलोकन के पश्चात बात आती है तथ्यों का संकलन। तथ्यों का संकलन किस प्रकार होगा? जो हमने अभी प्राथमिक और द्वितीय सामग्री एकत्र करी है उन सभी सामग्रियों को एकत्र किया जाता है, यानी प्रश्नों की जो सूची हमने प्रश्नावली भरी है उनको इकट्ठा किया जाता है, साक्षात्कार लिया जाता है और अवलोकन, इन सभी के द्वारा जो जानकारी प्राप्त होती है उन सबको एक जगह एकत्र करते हैं। इसे हम इंग्लिश में एडिटिंग भी कहा बोलते हैं। संकलन के पश्चात तत्वों का वर्गीकरण होता है, यानी टेबुलाइजेशन होता है। एक टेबल के अंदर उन सभी को एकत्र किया जाता है। तत्पश्चात हम सामान्यकरण करते हैं। सामान्यकरण में निष्कर्ष या उपसंहार भी इसे बोला जा सकता है। सामान्यकरण के अंतर्गत हम जो निष्कर्ष निकले हैं उनके बारे में पूर्ण रूप से बताते हैं और अपना परिणाम बताते हैं। तत्पश्चात आता है लास्ट में प्रतिवेदन। प्रतिवेदन अर्थात जो हमने शोध किया है उसको विस्तृत रूप से रिपोर्ट राइटिंग करना, यानी उसे लिखना। इस प्रकार समस्या का चयन से लेकर प्रतिवेदन तक इन सभी का क्रमबद्ध अध्ययन करना, जानकारी प्राप्त करना वैज्ञानिक पद्धति के चरण होते हैं। इस प्रकार से शोध के अंतर्गत इन सभी चरणों का विस्तृत रूप से अध्ययन करके ही हम एक क्रमबद्ध अध्ययन करके ही हम बिल्कुल सुचारू रूप से हमारे वैज्ञानिक शोध के परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसके आगे की जानकारी मैं आपको कल बताऊंगी। धन्यवाद।